हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मिनट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम कुरकुरी जलेबी की रेसिपी। तो इस जलेबी के लिए हमें ना कोई लंबे फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो 15 मिनट में जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा एक कटोरी मैदा, आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। इसमें डालूँगा मैं एक टीस्पून घी। अब इसमें डालूंगा मैं दो टीस्पून यानी दो चम्मच जो हम खाना खाते हैं उससे दही। अब इसमें डालूंगा मैं एक सैसे इनो का, यहाँ पे हम कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे। तब इसको मैं एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगा सभी को, यानी कि मोयन लगाना है हमें। जिस तरह हम घी का मोयन लगाते हैं उसी तरह हमें इस पर अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बार विस्कर की सहायता से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने हल्का सा गर्म पानी, तो ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म है, तो ये ठंड का मौसम है इसलिए। तो पानी का यूज़ करते हुए हम इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा डो बना लेना है, यानी डो नहीं, इसका बैटर बना लेना है। तो जो पकौड़े का बैटर होता है वैसा ही हमें इसका बैटर बनाना है। तो पकौड़े से थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, तो बस इसको हमें लगातार चलाते रहना है। पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा हिसाब से डालना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालूंगा मैं पाँच छः बूंद येल्लो फूड कलर के, आप चाहते हैं रेड फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसको आप चाशने में यूज़ करें रेड फूड कलर को, नहीं तो ये गुलाबी हो जाएगा यानी पिंक हो जाएगा इस बैटर कलर। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा बैटर अब एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम शुगर सिरप बना लेते हैं यानी चाशनी। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है एक कटोरी प्लस 1/4 कप कटोरी चीनी। तो इसमें डाला मैंने 3/4 कटोरी पानी। तो मैंने उसी कटोरी से इसमें पानी और चीनी डाला है जिससे मैंने मैदे को मेज़र किया था। इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा, गैस के फ्लेम को ऑन करके उसको मीडियम कर दूंगा और हमारी जो शुगर सिरप है वो बनकर तैयार है। तो इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्की सी हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो हमारी चाशनी में एकदम रेडी हो चुकी है। तो इस गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे लिया मैंने एक पाइपिंग बैग, आप कोई दूध की थैली भी ले सकते हैं या फिर कोई सॉस की बोतल भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने गिलास में इस तरह फिट कर दिया है। अब इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा बैटर, यानी जलेबी का बैटर। तो इसको हम इस तरह कवर कर देंगे और इसमें हम लगा देंगे गांठ ताकि हमारा जो बैटर है बाहर ना निकले। आप चाहें तो इसे रस्सी से भी कोई धागे से बांध सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसको गांठ लगा दी है। तो हमारा पाइपिंग बैग हमारा रेडी हो चुका है जलेबी बनाने के लिए। तो इसको हम काट लेते हैं। तो अपने मन के हिसाब से इसको काट सकते हैं, जितना साइज आपको जलेबी का चाहिए उतना आप किसे काट सकते हैं। तो गैस पर रख दिया मैंने एक इस तरह का चौड़ा वाला पैन, इस तरह की जो फ्लैट कढ़ाई होती है उसमें हमें रखते ना गैस पे, और गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और इसमें डाला मैंने लगभग घी, तो 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, यानी कि मीडियम गर्म किया है, फुल गर्म नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का हमारा जो घी है वो गर्म होना चाहिए। घी हमें इस तरह बैटर डालने पर इसमें एकदम से झाग आ जाने चाहिए, तो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए हमारा घी, नहीं तो ये नीचे से फ्लैट हो जाएंगी हमारी जलेबी और गोल गोल नहीं बनेंगी और एकदम फूली फूली नहीं बनेंगी। तो इस तरह मैं जलेबी को इस तरह शेप दे दे रहा हूँ। तो अगर आप लगातार इसे प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपकी जलेबी एकदम गोल गोल बनेगी जैसा आप उसको शेप चाहते हैं। तो इसको हमें हल्का सा नीचे से गोल्डन ब्राउन तक हल्का सा सिर्फ इसे हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे से हल्की सी क्रिस्पी हो गई है। तो इसको मैं पलट दूंगा और दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ्राई कर लूंगा। तो थोड़े से हमें इस अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो हल्का सा चेंज हो चुका है, इसको एकदम कुरकुरी हो चुकी है। तो इसको हमें निकाल लेना है, इसका जो एक्स्ट्रा घी है इसमें इसको थोड़ा हिला के हमें इसको निकाल देना है। आप देख सकते हैं हमारी जलेबी कितनी फूली फूली बनी है। तो अब इसको मैं डाल दूंगा शुगर सिरप में। शुगर सिरप जो है हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में ये एकदम नरम हो जाएंगे और ज़्यादा ठंडे में इसमें शुगर सिरप आसानी से नहीं जा पाएगा।
तो इसको मैं इसी तरह छोड़ दूंगा जलेबी को सूखे सिरप में, और बाकी की जलेबी मैं बनाकर तैयार कर लूँगा। तो अब 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आपकी तरह आपकी जलेबियाँ वो एकदम गोल बन जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी एकदम। तो इन जलेबी को मैं फ्राई होने दूंगा उसी तरह जैसे हमने पहले फ्राई किया था, इसको नीचे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हम पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो जो हमने घी डाला है, घी इतना होना चाहिए कि हमारी आधी जलेबी वो आसानी से डूब जाए। तो देख सकते हमारी जलेबी वो डूब रही है आसानी से, तो इतना ही घी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं चाशनी में डाल दूंगा। और जो पहले वाली जलेबी थी उसने अच्छे से रस पी लिया है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जलेबी ने कितने अच्छे से रस पिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम रसीली अंदर से हमारी जलेबी है, तो सारा जो शुगर सिरप है जलेबी के अंदर चल चुका है। तो बाकी हुई 2-3 जलेबी को मैं बाहर निकाल लूँगा और उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कितनी रसीली जलेबी है और इनकी शाइनिंग भी बहुत ही सुंदर है। तो इनको भी मैं इस तरह डिप कर दूँगा और बाकी सारी जलेबी को बनाकर तैयार कर लूँगा। तो इनको मैं शुगर सिरप पर डालूंगा, उनको फ्राई कर लूँगा। तो मेरी सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो इनको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ सर्विंग के लिए। तो इनको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको मैं गार्निश कर दूँगा थोड़े से पिस्ता से। अब मैं थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता डाल दे रहा हूँ, आप चाहें तो आपको थोड़े से बादाम भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको जलेबी तोड़कर दिखाता हूँ कि हमारी जलेबी कितनी क्रिस्पी और कितनी रसीली बनी है। तो आप देख सकते हैं एकदम आसानी से टूट रही है, कितनी क्रिस्पी हमारी जलेबी, और आप अंदर से भी इसका रस देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।